तो अर्ज किया है कमेंट्स में वाह जरूर बोलना, ना रंग ना कद ना कॉन्टैक्ट्स ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, सिर्फ जुनून और अच्छी एक्टिंग। इनकी एक्टिंग में एक एक्स फैक्टर है, ये कोई स्टार नहीं ये एक एक्टर है। अगर पूरी इंडस्ट्री में बिजली है तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। अपने सपनों को इन्होंने कभी मारना नहीं सीखा, इन्होंने स्ट्रगल किया लेकिन कभी हारना नहीं सीखा। पूरे वास्तेपुर में बजा फैजल खान के नाम का डंका, अपनी एक्टिंग से इन्होंने न जाने कितने एक्टर्स की लगा दी लंका। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे लाइक्स और ढेर सारे कमेंट्स के साथ स्वागत करो हमारे साथ आज एक ऐसे इंसान है। कभी कभी तो लगता है कि अपुन ही भगवान है। अमेजिंग सर। तो सर इट्स एन ऑनर फॉर मी, सबसे पहले तो आपका ग्रैंड वेलकम है हमारे इस चैनल पे। तो बेसिकली हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं, वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो सपने देखते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। तो इन सब लोगों को एक छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहो, ये सारे वो लोग हैं जो हसलर्स हैं और आज का यूथ है, आप उन्हें कुछ कहना चाहो तो स्टार्टिंग में। कोई भी चीज़ आराम से नहीं मिलती, बहुत वक्त लगता है और उस वक्त उतने वक्त के लिए आप तैयार रहें। जैसे अभी बात हो रही थी पहले कि ऑप्शन ना हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन हो जो वो चाहते हैं, वो आज नहीं कल या परसों, और बेशरम बन जाओ, मिलेगा ज़रूर। अमेजिंग सर। सर एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने प्लान की हुई थी, उस एक्टिविटी के साथ शुरुआत करते हैं। तो अभी इसमें होगा क्या, मैं कुछ लाइन्स बोलूँगा जो राइम करेगी आपके ही किसी बहुत ही फेमस डायलॉग के साथ, किसी मूवी के डायलॉग के साथ। तो आपको बस उसे पहचानना है और फिर आपको जैसे मैं लाइन बोलूँगा उसके बाद वो आपको डायलॉग बोलना है। सो वी आर रेडी। सो द फर्स्ट डायलॉग, लालच से आलस से खुद को कभी जोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अमेजिंग सर। इनकी एक्टिंग का झंडा फहरा फ्रॉम मुंबई टू कराची, कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चार नवाब कराची। सो द थर्ड लाइन इज, जब दिखते हैं ये बिग स्क्रीन पे तो हो जाती है पूरे इंडस्ट्री में हलचल, बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेकर तेरा फजल। अमेजिंग सर, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डायलॉग। आखिरी में सबसे लास्ट और वन ऑफ माय फेवरेट, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, इस एक्टिविटी के साथ हम इसको एंड करेंगे इस एक्टिविटी को। तो आप लोग भी करो मेहनत, वक्त को मत करो बर्बाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उन लोगों से मिलता हूँ जो हमारी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, जो आज के यूथ हैं। तो मैं देखता हूँ वो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका पैशन क्या है, वो करे क्या। तो जैसे आपने एक्टिंग के अंदर बहुत कुछ किया, तो आपको कैसे पता चला कि आपका पैशन एक्टिंग है? मुझे आई थिंक उससे पहले मैं काफ़ी, मैंने जॉब ट्राई किए, छोड़ दिए, है ना, पढ़ाई पूरी की, वो भी दिल से नहीं की इतने ज़्यादा, बस ग्रेजुएशन करना था कर लिया। और मैं ढूंढ ही रहा था कि एक्चुअली किस चीज़ में मुझे मेरा पैशन है, किस क्या मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं छोटे से गांव था, इतना ज़्यादा आइडिया मुझे था नहीं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ मैं। फाइनली जब मैंने एक प्ले देखा और प्ले देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार शायद ये चीज़ है जिसको मैं करना चाहता हूँ, तो उसके बाद बहुत प्लेस देखे मैंने, बहुत ज़्यादा देखे, और फिर शुरुआत की छोटे छोटे रोल से, प्ले थिएटर में शुरुआत की। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया मुझे लाइफ में यही करना है, थिएटर ही करना है, तो ये वहाँ से मुझे पता। सर मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे बायोग्राफीज देखी आपकी और काफ़ी इंटरनेट पे पढ़ा है, तो वहाँ पे एक फैक्ट सामने आया था कि आप जब स्ट्रगल का टाइम था आपका, तो आपने एज अ वॉचमैन भी काम किया हुआ, क्या ये बात सच है क्या? ये तो बहुत सारे काम किए मैंने, तो बहुत सारे तो ऐसे जो मैं बताऊँगा अभी नहीं यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें राज रहे तो अच्छा है ना, कुछ चीज़ राज ही रहने तो अच्छा है। तो काम हम करने पड़ते हैं क्योंकि अपने पैशन को कैसे ना कैसे, पैशन तो ठीक है लेकिन उसको पूरा करने के लिए भी पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप खा सकें और काम कर सकें, तो सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर काम करने पड़े। ना जेब में उसके पैसे तो सर्वाइव करे वो कैसे? सर अभी आपकी जैसे कि लेटेस्ट मूवी आने वाली है ठाकरे, तो उसमें जो सर का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है, काफ़ी उन्होंने लीडरशिप और बाकी चीज़ों में बेंचमार्क सेट किया है पूरे इंडिया में। आपकी जितनी मैंने मूवीज़ देखी है, हर मूवी में आपका एक अलग ही अप्रोच रहता है, चाहे मैं मांझी की बात करूँ, चाहे मैं मंटो की बात करूँ, हर मूवी में, इवन आपने जो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ में हमने आपको देखा है, वहाँ पे अलग अप्रोच रहती है। तो यहाँ पे आपकी क्या अप्रोच थी जब आपको पता चला कि आपको ये वाला कैरेक्टर प्ले करना है? अप्रोच दो तरीके की थी कि एक तो वो उनकी कॉपी नहीं करूँगा मैं, तो इस अप्रोच को लेके मैं डे वन से लेके चला कि कॉपी ना लगे, एक इम्प्रेशन लगे कि हाँ, के लगे कि हाँ ये बाड़ा साहब ठाकरे है, लेकिन वो आवाज़ से कि उसकी मिमिक्री करूँ, उनकी मिमिक्री करूँ मैं, ये मैं कभी गवारा नहीं कर सकता था, मेरे अंदर का ज़मीर गवारा नहीं कर सकता। इंप्रेशन में क्या फ़र्क होता है? इंप्रेशन होता है एक लाइक एक फॉर एग्जांपल जितने भी आप बड़ी ग्रेट बायोपिक्स देखी होंगी आपने, लाइक फॉर एग्जांपल गांधी, मंडेला, या इस तरह की जो बायोग्राफीज देखी हैं आपने, तो उसमें वो उनकी कॉपी नहीं कर रहे, एक इंप्रेशन आता है ये बिल्कुल गांधी की तरह लग रहा है, क्योंकि जो सिग्नेचर जेस्चर पोस्चर्स हैं उनके साथ साथ
आवाज का जो है, कभी आवाज को कॉपी नहीं करनी चाहिए, you know? मतलब वो मिमिक्री टाइप ना, मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, okay. है ना, एक जो उनका उनका थॉट प्रोसेस क्या था इस चीज पे, और वो पर्सनल स्पेस में किस तरीके से रहते थे, क्या किस तरीके से बर्ताव करते थे, क्या क्या उनके जेस्चर पोस्चर रहे होंगे, किस तरीके से बातें करते थे पर्सनली, क्योंकि बाड़ा साहब को अभी तक हमने जब भी देखा है तो वो थ्रू द कैमरा देखा है, कभी पर्सनल नहीं देखा, वो पर्सनल स्पेस में वो किस तरीके से बातें करते, बहुत शांत शांत थे, शांत स्वभाव। तो जितने भी हमारे पर्सनल ऐसे सीन हैं जहाँ पे वो घर पे बैठे हैं या एक ख़ास दोस्त के साथ बैठे हैं, वहाँ बहुत आराम से बातें करते हैं, लेकिन जैसे स्टेज पे जाते हैं, स्पीचेस देते हैं, तो वहाँ बिल्कुल फायरिंग स्पीचेस होती हैं उनकी। तो ये डिफरेंशिएट आपको फिल्म देखते हुए भी पता चलेगा। तो आपने क्या इस मूवी के अंदर भी कोई फायरिंग वाली स्पीच दी है? बहुत सारी स्पीचेस हैं इसमें, जो आप जब देखोगे आपको मालूम हो जाएगा। तो गाइस अभी हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मोटिवेशनल स्पीचेस मेरी भी पसंद है, बाकी बहुत सारे लोगों की पसंद है, तो आप इस मूवी को देखना, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी फायरिंग फुल पावर वाली स्पीचेस देखने को मिलेंगी। एब्सोल्युटली सर, इसमें जो बाला साहेब जी का जो कैरेक्टर है, सो वो शिवसेना के बहुत बड़े लीडर थे, तो क्या शिवसेना से किसी ने आपको हेल्प किया बताने में उनके बारे में, सर के बारे में? संजय राउत साहब, क्योंकि उनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में वो ज़्यादातर टाइम उन्होंने बाड़ा साहब के साथ गुजारा है, संजय राव साहब जो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, और वो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स जानते हैं बाड़ा साहब की, और उन्होंने हाँ उन्होंने जो आपको यूट्यूब पे जो नई डिटेल मुझे मिल रही थी, तो वो सारी उन्होंने बताई मुझे, लाइक जैसे पाइप पकड़ने का अंदाज था उनका, जब पाइप पीते थे वो, और ये उनका मोस्टली जब बात करते थे तो ऐसा रहता था उनका बात करने का, और यहीं से जो उनकी जब वो स्पीच बोलते थे तो यहीं से जाती थी उनका, तो ये पोस्ट ये रहता था, हाँ, और थोड़ा ये बाल को स्पीच देते हुए बाल को सेट करना, चादर को सेट करना, ऐसे हमेशा उनका स्पीच देते हुए 3-4 जेस्चर थे जो हमेशा उनके रहते थे, तो सिग्नेचर जेस्चर थे उनके, बैठने का उनका अंदाज बिल्कुल ऐसे ये कर लिया उन्होंने, है ना, वो साफ तो ये हाँ ये रहना ये इस तरह या ये कर लिया, इस तरह के बहुत सारे वो जो आपको उसमें नहीं मिलेंगे, कहीं भी YouTube पर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये राव साहब ने मुझे बताया इस तरह की क्वेश्चन। सो ही वाज द बेस्ट पर्सन जो आपको बता सकते थे। हाँ, ही वाज द बेस्ट पर्सन। सर, मैंने जो ट्रेलर में एक सीन देखा, इसमें पीछे से आपका एक शॉट आता है जिसमें बहुत सारा क्राउड होता है, फिर आप ऐसे हाथ जोड़ते हैं, तो अभी मैंने कुछ वेबसाइट्स पे मैंने पढ़ा, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो सीन है वो ओरिजिनल सीन से, वो जो पीछे का जो बैकग्राउंड वाला फुटेज है वो शायद ओरिजिनल फुटेज सीन का ही लिया गया है। ये नहीं नहीं ये हमारा ही है। और एक अगर एक स्पीच अगर देखी हो आपने कि मैं एक गाड़ी पे खड़ा होकर स्पीच दे रहा हूँ उनका लास्ट का, वो उसमें फोटोज़ में भी है, उसमें उनका ट्रेडमार्क था वो जब वो स्पीच दे रहे हैं, और ये हाथ बात ये किया सारा, और लास्ट में ये आता है कि हम बेलगांव में ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी चीज़ें वो क्रिएट की गई, ये जो हाँ एक हाथ में माइक है और एक हाथ में ये है, उनका लास्ट का ये था, वो तो प्रॉपर फोटो है, वो आई थिंक बहुत पुराना फोटो है, तो मैंने पूरी स्पीच वो उसका पोस्चर पूरा ख्याल रखा, उसका जेस्चर पोस्चर ख्याल रखा कि लास्ट में कहाँ पे आके मुझे रुकना है, तो इस तरह के हमने काफ़ी डिटेल्ड वो की थी उनकी। अमेजिंग बाड़ा साहब की। हाँ, कि आप किससे इंस्पायर होते हैं, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? या मेरे इंस्पिरेशन कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े आदमी नहीं है, बहुत आम आदमी होते हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, जो अपने अपने छोटे छोटे कामों में जो एक्सीलेंसी होती है, जिनके पास एक स्किल होती है, जिनके पास जिन लोगों के पास, वो आप भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने जो काम कर, उनसे इंस्पायर में ज़्यादा होता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं मतलब सेम मेरा भी है, मुझे भी कोई बिल्कुल तो मैं बोलता हूँ कि मैं एक रिक्शे वाले से इंस्पायर होता हूँ कि हार्डवर्क कैसे करते हैं। हाँ, मैं एक अपने अपने एक हमारे गाँव में एक मोची था, उससे इंस्पायर हुए क्योंकि वो जूता इतना अच्छा सीता था कि जूता कहीं और से फट जाएगा लेकिन वहाँ से नहीं फटेगा, इतना अच्छा सीता था वो, तो मैं उससे इंस्पायर हो गया था। मतलब हमारी कंट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, मतलब हर जगह बिल्कुल हर जगह टूट टूट के भरा हुआ है टैलेंट। सर, बाला साहेब सर की लाइफ जो थी वो काफ़ी इंस्पिरेशनल थी, जब उन्होंने शुरुआत की तो पहले लोग थे 2-4, फिर बनाया काफिला, तो क्या इस मूवी से भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, किस तरह की इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों को, क्या वैल्यूज है इस मूवी की? ऑफकोर्स बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि जब सी वो उनकी शुरुआत हुई जब मराठी मानुस बिल्कुल डिप्रेशन में, मिले बंद हो गई थी और उनके पास रोज़गार नहीं था, है ना, और क्या करें क्या नहीं करें, है ना, रैंडमली लोग खड़े हैं, कभी ग्रुप बना के यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पान की दुकान पे खड़े हैं, काम कुछ नहीं है, तब उनको वो दुख महसूस हुआ ख़ुद को कि यार मेरे खुद के लोग, मेरे स्टेट के खुद के लोग बेरोज़गार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। वो तो कार्टूनिस्ट थे, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे वो, इतने ब्रिलियंट कार्टूनिस्ट थे वो कि वो अपना काम करते रहते, कोई उनको फिक्र ना होती, क्योंकि अच्छा खासा उससे पैसा कमा लेते थे वो,
लेकिन उसके बावजूद भी अपने काम को छोड़ के वो लोगों की सेवा में लगे और इतनी ऐसे ऐसी शुरुआत की जो शायद यंगस्टर्स को इस वक्त पे मालूम नहीं है। फिल्म देखेंगे तो उनके बारे में मालूम पड़ेगा कि उन्होंने महाराष्ट्र में क्या क्या शुरुआत की है ना, और कैसे महसूस किया उस दर्द को, दुख को, यूथ का जो दुख दर्द था उसको कैसे महसूस किया और महसूस करते करते कैसे बाढ़ केशव ठाकरे बने, पूरी जर्नी के ऊपर है फिल्म। मतलब मैं इसको इस तरीके से पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं कल रात में मांझी देख रहा था, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, मतलब सर से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे, आप लोग जो मांझी मूवी है वो मैंने 40-50 बार देख रखी है अपनी लाइफ में, इवन कल रात में मैं देख रहा था, मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं सर से मिलने वाला हूँ, तो मैं मांझी देख रहा था। तो मांझी से ना मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ जो सीख मिलती है मेरे को मांझी से, वो ये है कि चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई गोल क्यों ना हो, लोग कहते हैं ना कि ये काम तो मुझे पहाड़ जैसा लग रहा है, वो एक मुहावरा बन चुका है, ये काम मुझे पहाड़ लगता है, और वहाँ पे मांझी से उन्होंने पहाड़ को ही तोड़ दिया था। सो एक इंस्पिरेशन, तो मैं उस तरीके से पूछ रहा था कि क्या यहाँ पे जो ठाकरे जी का जो जीवन था, लाइफ थी उनकी, तो वहाँ से कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल वैल्यू, कोई ऐसे एक दो पॉइंट्स आप बताओ। मेरा मानना यह है कि अगर हर स्टेट में एक लीडर, एक इंसान ऐसा हो जो अपने स्टेट के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचे, तो हर स्टेट कहाँ से कहाँ चला जाएगा आप ये सोच नहीं सकते, तो ये इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। सर लास्ट में जाते जाते एक छोटा सा रैप मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, और सिर्फ आपको ही नहीं, अभी जितने भी लोग यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे कुछ बन गए या फिर इस फेज में है कि कुछ बनना चाहते हैं, आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा रैप मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अगर सर आप इजाजत दें। प्लीज़। तो रैप कुछ इस तरीके से है, रास्ता है सुनसान फिर भी चलता वो अनजान, है मंजिल थोड़ी दूर उसके सामने है तूफान, मुश्किल से भरा सफर जिंदगी है शमशान, है ऐलान ये जंग उसकी हालत भी है तंग, कोई करता ना सपोर्ट आज कोई ना उसके संग, काटे दर्द भरी वो रात है स्ट्रगल की शुरुआत, न जेब में उसके पैसे फिर सर्वाइव करे वो कैसे, फिर भी धीरे धीरे बढ़ रहा किस्मत से वो लड़ रहा, देखो मिला उसे आज ज्ञान हो गई लोगों की पहचान, यहाँ मतलबी है लोग अपने कर्मों को तू भोग, जैसी तेरी चाल होगा वैसा ही तेरा हाल, उसने लड़ने की है ठानी पिया घाट घाट का पानी न लगाए पूरी जान, तो बेकार है जवानी परेशानी ही परेशानी और काटो भरी है राह, देख बदलेगी किस्मत जब दिल से लेगा चाह, हाँ सबकी यही स्टोरी है पहले मेहनत फिर ग्लोरी है, जो होते कामयाब होता सबका यही हिसाब, उनकी जिंदगी में अभाव परेशानी और तनाव, फिर भी सोच से अपनी लाते वो दुनिया पे प्रभाव, तो जनाब अब तो उठिए सपने आपके कुछ करिए, देखो वक्त कैसे भाग रहा कंफ्यूज है मेरा ब्रेन, है वक्त को कितनी जल्दी मानो छूट रही है ट्रेन, इट्स इनसेन। सही, मुझे लगा पता कि आपका क्या रिएक्शन होगा, बट दिस इज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम माय हार्ट, और मैं अभी इस रैप को जब परफॉर्म कर रहा था आपके सामने तो बस मेरे माइंड में वो सारे पिक्चर्स चल रहे थे, मांझी मूवी का पिक्चर चल रहा था और जो मैंने जितनी भी चीज़ें देखी है। ओके सर, एक और क्वेश्चन है कि अभी लास्ट में रिसेंटली आपकी एक मूवी आई थी, क्योंकि मैं रैप करता हूँ तो एक थोड़ा सा एक रैप को लेके भी एक क्वेश्चन है मेरा, अभी रिसेंटली आपकी मंटो मूवी आई थी तो उसके अंदर एक रैप था वो काफ़ी शानदार था, तो जब आपने वो रैप सुना तो मतलब आपका क्या रिएक्शन था, क्या माइंड में थॉट आया उसका? थॉट बहुत अच्छा था, और जिस तरीके से रफ्तार ने उसको, जिस तरीके जिस इमोशन के साथ उसको गाया था वो बहुत अमेजिंग था, मतलब आप महसूस कर सकते थे वो पेन जो वो बात कर रहे थे रफ्तार। तो कभी आप सुनते हैं वैसे फ्री टाइम में उस रैप को? मैं हाँ ऑफ कोर्स, मैंने कई बार सुना वो, मेरे को याद नहीं, बट इट्स अमेजिंग एक्चुअली, बहुत ही बढ़िया उस उन्होंने तो, अब वो बहुत टैलेंटेड है। तो देखा दोस्तों आपने इस स्टोरी का अंत, अगर करते हो रिलेट तो शेयर कर दो तुरंत, अपनी फीलिंग्स को तुम सारी कमेंट बॉक्स में बहा दो, और इस वीडियो को सही सुना, इस वीडियो को आग की तरह फैला दो। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना, इस वीडियो को बिल्कुल आग की तरह फैला दो, और 25 जनवरी 2019 को आ रही है ठाकरे हिंदी में भी और मराठी में भी, तो मैं देखने जा रहा हूँ, आप सब लोग देखने चलो, और हम लोग इंस्पायर होंगे, हम लोग कुछ नया कुछ वैल्यूज सीखेंगे इस मूवी से। तो दोस्तों इसी के साथ, दिस वॉज एबी वायरल एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी साइनिंग ऑफ।